लॉकडाउन के इस दौर में जहां सबसे ज्यादा परेशान मजदूर वर्ग को देखा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से सभी काम ठप पड़ गए हैं और मजदूरों के सामने कमाने और खाने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सभी मजदूर अपने घरों को लौटना चाहते हैं। काम धंधा ना भी मिले तो ठीक, लेकिन वो अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं और इसी के चलते कई मजदूर तो पैदल ही निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। कई जगह मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कई जगह व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ जगह से अच्छी खबर आती है तो थोड़ी राहत सी मिलती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सारंगपुर से एक वीडियो सामने आया, जहां पर संस्था तुलादान के सदस्य पिछले 62 दिनों से आगरा मुंबई हाईवे पर आने जाने वाले मजदूरों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं और लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। ये वीडियो वहीं का है जिसमें एक प्रवासी लेबर बाबूराव दिखाई दे रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह से बाबूराव मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई बाहर से मध्य प्रदेश में आ रहा है तो उसे मध्य प्रदेश में जहां से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है वहां से लेकर जहां खत्म होता है वहां तक तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सुबह नाश्ते की व्यवस्था है, दिन में खाने की व्यवस्था है, शाम के नाश्ते की व्यवस्था है और रात के खाने की भी भरपूर व्यवस्था की जा रही है। वीडियो में बाबूराव ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि जैसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में दिख रही है वैसी व्यवस्था किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रही। उन्होंने इन सभी व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश का तहे दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि लॉकडाउन होने की वजह से देश को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसमें सबसे बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश का भी है, लेकिन इसके बावजूद भी धन्य है मध्य प्रदेश जो लोगों के लिए दिन रात मदद करने में जुटा हुआ है। इस वीडियो में बाबूराव बार बार मध्य प्रदेश का धन्यवाद देते हुए और तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सारंगपुर का है, जहां पर संस्था तुलादान के सदस्य पिछले 62 दिनों से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। संस्था तुलादान के सदस्यों का ये सराहनीय कार्य सारंगपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर रहा है। इससे अमीर राज्य कोई नहीं है, कोई नहीं है। जहां से एमपी स्टार्ट होता है और जहां एमपी खत्म होता है वहां तक ये सेवाएं मुफ्त चालू है, मुफ्त, एक रुपया बिना लिए मुफ्त सेवाएं चालू है। दिल से दिल से एमपी को लाख लाख शुक्रिया एमपी का। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वापस महाराष्ट्र जा रहे हैं। हाँ, पैसेंजर छोड़ने गए थे, मगर हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूराव भाई, बाबूराव। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां आपके लिए, तालियां भैया। मेरा नाम राजू है। थैंक यू, दिल से थैंक यू सब लोगों का, आपके आपके पूरे एमपी का दिल से थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे एमपी का दिल से थैंक यू। एमपी में कहाँ कहाँ खाना मिल रहा है और यहाँ जैसा खाना वैसा खाना? नहीं 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 नहीं, सुबह सुबह 5-6 बजे से नाश्ता चालू है, 11:30 से पूरा 5 बजे तक खाना चालू है, फिर 5 बजे के बाद फिर ये टाइम में नाश्ता चालू है। ये कौन सी जगह है जहाँ तुमने खाना खाया? मुझे सारंगपुर लिखा है ना, ये तो सारंगपुर में पहली बार रुके? किसके पहले भी नहीं, अभी रुका, ये इतनी भीड़ देख के रुका, बोला यहाँ निश्चित खाना होगा। अभी खाना नहीं है ना मालिक, हमारे गाड़ी में खाना नहीं है, रास्ते पे खाना नहीं है। यूपी से आए ना, यूपी में अभी देखो, तुम्हारे एमपी का अगर कोई बाहर से आया होता तो आप हम लोगों के लिए इतना व्यवस्था कर रहे, तो तुम्हारे आने वाले भाइयों की कितनी व्यवस्था करते पता नहीं। मगर यहाँ से जो यूपी जा रहे उनकी व्यवस्था यूपी में नहीं हो रही है, यूपी में उनके राज्य में उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है, केवल पानी मिल रहा है बस। ये जितने लोग यहाँ खाना खिला रहे हैं ना, हाँ, ये सब सक्षम है घर से, इनको कोई पैसे नहीं, नहीं। मगर सबसे गरीब राज्य होने के बाद भी सबसे अमीर राज्य का दर्जा पाना ये कोई आम बात नहीं है। जितने मजदूर निकल रहे हैं यहाँ से, मजदूर भाई उनकी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा करोड़ों की, मैं तो बोल रहा हूँ देश करोड़ों में लॉस है, तो एमपी उससे सबसे बड़ा हिस्सा एमपी का ही है। सारंगपुर को भूलना मत भाई। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।